हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं ये सेल्फ रिपेयरिंग कूलर। तो इसको हम चेक करने वाले हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली स्पार्किंग हो रही है इसके वायरिंग में। देखते हैं, चेक करते हैं कि इसमें कहाँ और कैसे। मैंने इसे खोला है, चेक किया है, तो वायरिंग में तो कोई फॉल्ट लगी नहीं रहा मुझे, बट एक बार इसे चेक करना ही पड़ेगा। पूरी वायरिंग चेक करूँ उसके बाद बता सकते हैं कि इसमें क्या खराबी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इसकी वायरिंग करने वाला हूँ, दुकान वाला हूँ। तो जैसे कि ये आप पता है कि मेरी मोटर की वायरिंग का तार है, जो कि पानी की मोटर है, और ये जो दो वायर हैं, ये और ये मेरे कूलर की मोटर के तार हैं, यानी फ़ैन के। तो जैसे कि आपने देखा कि एक वायर मैंने अपने सॉकेट से अटैच किया है, एक जो मैंने आपको अडेप्टर बताया था कि मैं एक दूसरे से प्लग पॉइंट करने वाला हूँ, तो ये मैंने आपस में जोड़ दिए हैं। ओके, तो अब बचा कि हमारे जो एक एक वायर आ रहे थे, एक मैंने मोटर का वायर लिया और एक टंकी मोटर का वायर लिया, और इससे मैंने इसको डायरेक्ट किया। ओके, डायरेक्ट किया, अब बचा मेरे पास दूसरा पावर पॉइंट वायर वायर। ओके, तो अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, इस वायर को मैं इस वाले प्लग पॉइंट से जोड़ दूंगा इसको। ओके, होगा क्या, जब मैं इसको इसे जोड़ दूंगा तो रेड वाले वायर से ऑटोमेटिकली इसमें पावर सप्लाई जाती रहेगी, लेकिन जब तक इस सॉकेट को स्विच को जब तक ऑन ऑफ नहीं किया जाएगा और इसका सर्किट बोर्ड पूरा नहीं होगा, और सर्किट बोर्ड तभी पूरा होगा जब इस स्विच को कोई ऑन ऑफ करेगा। तो इस प्लग को मैं जैसे ही इसके साथ जोड़ दूँगा और हमारा कूलर चालू हो जाएगा। तो फिर हम इसे अटैच करते हैं, फिर मैं आपको इसको कूलर चालू करके मुझे दिखाता हूँ। तो फिर इसी जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं इसकी वायरिंग फिट कर चुका हूँ, और मैंने ये जैसे कि आपको बताया था कि ब्लैक वायर को मैं वायर को प्लग में ऑन कर देता हूँ। ओके ओके, तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है इसे, और मैं वायरिंग को बच्चा लो दूर हटो अब दूर हटो। तो अब मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ, इसे छूना मत पाऊँ नहीं तो करंट लग सकता है। तो इसकी वायरिंग में जरा अपने प्लग बोर्ड में लगा बता नहीं सकता आपको। मैंने कोई आईआईटी की डिग्री नहीं ली, लेकिन खुदा और कहते हैं भगवान ने हमें जो काम सिखाया है तो सफल होता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। इस चीज़ को बच्चे कभी अपने घर पर ट्राई ना करें, और अगर आपको किसी भी तरह की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए।
ताकि मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो बना सकूँ। ओके, तो मैं अब इसे सेट कर देता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे किसी इसी तरह की वीडियो। थैंक यू, हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें।